बी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डॉलर ए बी सी डी डबल स्लैश ई एफ प्लस जी जी, ये आउटपुट अगर आपका आ रहा है तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा है। हाँ जी, कितने स्टूडेंट्स का ये प्रोग्राम चल चुका है? इनफिक्स टू प्रीफिक्स, मैंने कोड इसीलिए शेयर किया था कि आप वीकेंड पर उसको ट्राई कर सको। ये जितने हैंड रेज है इन सबका चल चुका है? यस मैम। साहिब, पुनीत, नहीं मैम, मैम पालक, आपका चल गया? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलिए। मैंने ये चेक, ये कोड जब आपने शेयर किया था, मैंने ये नहीं देखा कि इनफिक्स टू प्रीफिक्स था। मैंने पोस्टफिक्स का प्रोग्राम बना लिया, मैं वो शो कर सकता हूँ कोई आपको? बात नहीं, अब आप उसको प्रीफिक्स बना दो। कोड तो मैंने, आपने नितिश बनाया ना, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स बनाया ना, इनफिक्स टू यस प्रीफिक्स मैम, का कोड मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, पवनीत ने यस आपको मैम भेजा किया, होगा है ना, तो वो यस यस कोड मैम को आप किया। एग्जीक्यूट करके देखो। मैं जनरली क्या है कि मैं तीनों ही करवाती थी, वो ये बस हो जाता है कि स्टूडेंट्स का ना फाइल वर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए मैंने नहीं उसको जो है दो प्रोग्राम्स कर दिए। आपने कर लिया है मैम, पोस्टफिक्स, वेल एंड गुड, आप प्रीफिक्स का चलाओ अभी। मैं ये कह रहा था कि मतलब अभी टाइप करने में वही पूरा टाइम चला जाएगा, तो मैं नितिश, ये शो टाइप कर दूं करने की आप? बेटा जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी कोड आपके पास मेल में है। पवनीत, कैसे शेयर किया था? मेल किया था, व्हाट्सएप किया था बेटा? व्हाट्सएप, व्हाट्सएप किया था ना नितिश? चेक योर व्हाट्सएप हिस्ट्री, वहां पर होगा वो यस, कोड पड़ा हुआ आपके पास, बस उसको कॉपी पेस्ट करो ना। ओके पूरा मैम, क्यों टाइप करोगे आप, उसको कॉपी पेस्ट करो, रन करके देखो। हाँ जी, ऋषभ चल गया, राजप्रीत, सरब जी, शिवम, सूरज, यस मैम, यस यस मैम, मैम, तीन यस मैम, चल प्रोग्राम गया। बनाओ जल्दी से क्यू का, जिनका वो चल चुका है इनफिक्स टू प्रीफिक्स। फर्स्ट आई चेक इनफिक्स टू प्रीफिक्स, सबको वही चलाना है, जिनका चल गया है वो बनाएंगे लीनियर क्यू यूजिंग एरे। हाँ जी, लीनियर क्यू यूजिंग एरे में किसी को कोई डाउट है कैसे करना है? हाउ मेनी पॉइंटर्स विल बी देयर? स्टैक में आपके पास एक पॉइंटर था, टॉप पॉइंटर, क्यू में आपके पास कितने पॉइंटर्स होंगे बच्चा? दो टू पॉइंटर्स पॉइंटर्स होंगे, वन फ्रंट एंड वन इज फॉर रियर पॉइंटर। हाँ जी, फ्रंट एंड से क्या करते हैं हम? इंसर्शन करते हैं, डिलीशन करते हैं? फ्रंट डिलीशन करते हैं। इज यूज फॉर डिलीशन एंड रियर इज यूज फॉर इंसर्शन। तो आपको क्या करना है, इंसर्शन के लिए आप रियर में क्या करोगे, वैल्यूज ऐड करवाते जाओगे, डिलीट करना है तो फ्रंट की वैल्यू को आप चेंज कर दोगे। याद है सबको कैसे करते थे फ्रंट और रियर की वैल्यू चेंज? हाँ जी, हो जाएगा। क्यू का सिंपल प्रोग्राम है, लीनियर क्यू यूजिंग एरे। हाँ जी, यस हो मैम, जाएगा लीनियर क्यू यूजिंग एरे। चलिए जल्दी से हो एग्जीक्यूट जाए। करिए। मैं एक नया कोड भेज रही हूँ, आई एम एंडिंग दिस मीटिंग, न्यू कोड मैं भेज रही हूँ, उसको आप ज्वाइन करिए। मैम लास्ट लैब का दिखाना हाँ था। जी साहिब, हाँ अब
हाँ जी, लास्ट वीक का किसको दिखाना है आउटपुट? वन स्टूडेंट वाज सेइंग कि मैम लास्ट वीक का आउटपुट देखना है। मुझे सिखाना है। रोल नंबर 102 CSE 2 आपको दिखाना है। हाँ जी मैम। लेट मी चेक CSE 2। लास्ट वीक आप लैब में नहीं थे? नो मैम, नहीं थे तो बेटा उसका थोड़ी मैं चेक करूंगी। मैं यहाँ लैब पर में उनका था, चेक एंड में एंड हो गई थी मैम, नेटवर्क इश्यू के चक्कर में मैं दिखा नहीं पाया। चलिए दिखाइए। मैम मुझे भी शो करना था पुनीत। पुनीत आपने क्यों नहीं दिखाया था? मैम मैंने आपको बताया था ना, वो स्टैक वाले में मेरा वो लूप बार बार रिपीट कर रहा था, तो मैम वो चलिए कंपाइलर इशू। दिखाइए। पहले कौन सा दिखा रहे हो साहिल? स्टैक मैम वो स्टैक वाला था जिसमें यूजिंग अंडरफ्लो दिखा लिंक्ड रहा लिस्ट ना, था। इसमें आप तीन एलिमेंट्स ऐड करवाओ, पुश करवा दो तीन एलिमेंट्स, तीन को पॉप, तीन को पुश करवाने के बाद पहले आप मुझे डिस्प्ले करके दिखाओ उसे। ओके एंटर मैम, चॉइस 1, ओके मैम, चॉइस 1, 10, ओके, अगेन चॉइस 1, 56। क्या किया साहेब? आपको पुश करवाने हैं ना एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स पुश करवाओ और डिस्प्ले करवाओ। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, पुनीत आप भी थ्री एलिमेंट्स इंसर्ट करवाओ पहले और उसके बाद डिस्प्ले करवाओ उनको। मैम नाउ डिस्प्ले हो गई। पॉप दीज एलिमेंट्स पुनीत। तीनों को मैम पॉप पॉप करवा दो कराने हैं। एक बार और, पॉप करो पुनीत। स्टैक अंडर फ्लो ओवरफ्लो कंडीशन क्यों शो कर रहा है ये पुनीत? इट शुड बी अंडर फ्लो ना, अगर स्टैक एम्प्टी हुई है तो यस मैम वो चेंज कर दूंगा। चेंज करो उसे। हां जी साहेब, पॉप कर दो तीनों एलिमेंट्स। मैम स्टैक इज अंडर फ्लो, अरे नहीं स्टैक इज अंडर फ्लो नहीं, इट शुड बी अंडर फ्लो कंडीशन। स्टैक इज एम्प्टी होता है, अंडर फ्लो कंडीशन यहां पर आएगा, स्टैक इज अंडर फ्लो नहीं आएगा साहेब। ओके मैम चेंज करिए उसे। जी मैम, दूसरा प्रोग्राम भी दिखा दो इसके बाद। हाँ पहले चेंजेस कर लो फिर आप भूल जाओगे दोनों। स्टैक ओके मैम, इज अंडर फ्लो की जगह लिखोगे अंडर फ्लो कंडीशन, और पुनीत आप भी उसको जो है ओवरफ्लो की जगह अंडर फ्लो चेंज कर दो और नेक्स्ट आउटपुट दिखाओ मुझे। मैं ऐसे अंडर फ्लो कर दिया मैंने, नेक्स्ट वाला दिखा दूं। ठीक है अब नेक्स्ट दिखाओ। नेक्स्ट में कोई भी एक एक्सप्रेशन ले लो और उसकी वैल्यू दिखा दो, कोई भी एक छोटा सा एक्सप्रेशन ले लो। इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स है ना, सिंपल सा ले लो कोई एक्सप्रेशन। वैल्यू कंप्यूट करके देखिए इस एक्सप्रेशन की जो आप डाल रहे हो कितनी आ मैम रही है। ठीक इसमें मैम -4 आ रही है। मैम है साहिब, नेक्स्ट दिखाओ। वो चेंजेस कर दिए। ठीक है अब नेक्स्ट वाले का आउटपुट दिखाओ पुनीत, अब बाकी प्रोग्राम्स करो आज ओके के। ओके मैम, जी इनफिक्स टू प्रीफिक्स कितने स्टूडेंट्स का हो चुका है? रेज योर हैंड्स। यस पलक, जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं वो कैसे करेंगे लैब्स वगैरह का?
कैसे करेंगे पलक? मैम क्योंकि हमारे वहाँ तो क्योंकि जो प्रोग्राम मैम फाइल दे रही थी वो ये वाले नहीं थे मैम, और वहाँ पर लैब और थ्योरी साथ में चलता था, मतलब थ्योरी इतनी नहीं पढ़ाती थी मैम, मेनली कोड्स ही करवाती थी। तो मैम हमें आइडिया नहीं, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि अब कैसे करना चाहिए। कंफ्यूजन कैसे हो रहा है? जो मुझे अभी फाइल जो पहले किसी स्टूडेंट ने किसने शेयर की थी, वंशिका या लक्षिता में से किसी एक ने शेयर की थी, तो उनको मैंने यही कहा था जो आपकी फाइल बनी हुई है बस वहाँ पर आप लोगों ने एल्गोज नहीं लिखे हुए, यहाँ पर हमें एल्गोज हैंड रिटन चाहिए। मैम हमने तो कोई फाइल अभी बनाई नहीं है मैम, वंशिका और वो आईटी से आए हैं, हम ईसी से आए थे। इसी में क्या फाइल वर्क स्टार्ट नहीं हुआ था? तो फाइल इकट्ठे चलता था तो प्रोग्राम्स आपने एग्जीक्यूट किए होंगे ना मैम, लेकिन अभी फाइल नहीं बनाई थी हमने। तो बेटा आप बनानी पड़ेगी ना आपको फाइल, वहाँ भी बनानी थी। पवनीत से आप ले लो इन्फॉर्मेशन कि कैसे फाइल बनानी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी फाइल बनानी स्टार्ट कर दो। ओके, प्रोग्राम्स आपने किए हुए हैं, आपको बस वो एल्गो पार्ट लिखना है और उसका आउटपुट। पवनीत एक बार इनको ना बेटा गाइड कर देना कि कैसे बनानी है फाइल। यस ओके मैम। हाँ जी, इनफिक्स टू प्रीफिक्स वाला प्रोग्राम है उसमें मैम एक एरर आ रहा है प्रायोरिटी वाला। हाँ जी, और भी किसी का आया है प्रायोरिटी एरर? यस मैम मेरा भी आ रहा है, कंफ्लिक्टिंग टाइप ऑफ प्रायोरिटी। और किसका आ रहा है? कितने स्टूडेंट जिनका हो चुका है उनके पास आया था ये एरर प्रायोरिटी का? यस आया था। पवनीत कैसे रिजॉल्व किया? मैम कैर की जगह इन प्लेस करें दोनों जगह। वही तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जहाँ पर कैर लिखा हुआ है ना सिंबल का, यही तो मैंने आपको क्लास में भी कहा था कि उसको सिंबल कैर को आपको इंट चेंज करना है, बस दो लाइंस में ये चेंजेस हैं। लाइन नंबर आई थिंक 94, पवनीत एक बार चेक करके बताना लाइन नंबर कौन सा था। लाइन 94 और एक हंड्रेड्स में कुछ था मैम, 163 एंड 94। फिर वही है ना, आपने अगर कोई और स्टेटमेंट बीच में ऐड कर दी होगी तो वो चेंज हो जाता है। हाँ जी, वो एक बार चेंज कर लो, वो चल जाएगा फोर। ठीक है, जिनका हो गया है प्लीज अपना कैमरा ऑन कर दो। इनफिक्स टू प्रीफिक्स जिनको दिखाना है एक बार कैमरा ऑन कर दो, वैल्यू वही दे दो जो हमने क्लास में किया था एक्सप्रेशन, सो दैट आउटपुट सबका सेम आ जाएगा तो पता लग जाएगा। एक्सप्रेशन है सबके पास? यस मैम। मैम ये मेरा पुराने वाला देख ले एक बार, सेकंड वाला। हाँ साइड देख लिया मैंने आपका, आप इसका ऑफ कर दो कैमरा। 102 है ना आपका रोल नंबर? जी मैम। ठीक है। हाँ जी मैम, ये इनफिक्स टू प्रीफिक्स वही देख रही हूँ अभी मैं, रुक जाओ सर जी। ओके, रोल नंबर 104 सरब जी। सरब जी आई हैव मार्क्ड इट। और ये कौन है? राजप्रीत। एक मिनट राजप्रीत, आपका चेक कर रही हूँ मैं अभी। ओके मार्क्ड, रोल नंबर 61 जसकीरत कौर। हाँ जी जसकीरत, कौन सा कर रहे हो? मैम इनफिक्स टू प्रीफिक्स है। बेटा क्लास में अनम्यूट होने में क्यों प्रॉब्लम आ रही थी? मैम क्योंकि उस टाइम लैपटॉप से ज्वाइन किया था ना, तो उसमें वॉइस नहीं जाती। लैपटॉप में वॉइस नहीं जाती? अभी किससे ज्वाइन किया? मैम उसके स्पीकर्स में प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं बात। हाँ जी, रोल नंबर 47 जसकीरत आपका मैंने मार्क कर दिया। रोल नंबर 47 सहज बैच बी, रोल नंबर 47 सहज प्रीत एंड ऋषभ शिवम 48। हाँ जी सहज ऋषभ शिवम यू कैन टर्न ऑफ योर कैमरा। 92 प्रणव मार्क्ड। हाँ जी रोल नंबर 63 जसकीरत। प्रणव आपका मार्क कर दिया मैंने मार्क्ड। 113 उन्नत दास मार्क्ड। रोल नंबर 52
to Suraj marked. Just keep thank you, ma'am. Aapka mark kar diya hai maine. You can turn off your camera. Yes. Jinhone output dikha diya na, please lower your hands. Infix to prefix to output show kar chuke hain. Please hand lower kar do apne. Aur kisi ko dikhana hai? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिनको दिखाना है हैंड रेज कर दो, कैमरा ऑन कर दो. पबनी लास्ट जितनी अटेंडेंस है वो कंप्लीट है बेटा उसके लिस्ट में? यस मैम. ओके अनमीत कौर रोल नंबर 32 मार्क्ड. Roll number 36, CSC 3 marked. Yuvraj, roll number kya hai aapka? Ma'am, 117. Mention kyu nahi kiya hua? Ma'am, wo dusre device se. अंजी कैमरा ऑन कर दो युवराज. यस मैम. एक एक्सप्रेशन देख लो पहले क्या डालें. एक्सप्रेशन पर ही दे दो जो क्लास में किया था, इजी हो जाएगा करना. तरश मार्क. तरश मार्क कर दिया मैंने आपको. ओके. हाँ जी इनफिक्स टू प्रीफिक्स में इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए. कोड आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ मैं. तन्वी रोटेट करो एक बार इसको. हाँ जी सुप्रीत व्हाट डिड यू से? एक बार दिखा दूंगा मैं लैपटॉप. लैपटॉप में कुछ इश्यू है सुप्रीत? खुल नहीं रहा था वो. हाँ जी वो ऑपरेशन वो अपडेट हो रहा था. दोनों दिखा दूंगा. टाइम लगेगा अभी? कोई नहीं आप कर लो. अभी अपडेट आया हुआ है आप उसे कर लो, उसके बाद दिखा दो. ठीक है. Tanvi, I have marked it. Munali, roll number 37, marked. मैम ये सुप्रीम मार्क. मैम
जसलीन है मार्क केयर ओके नंबर 83 पवनी मार्क्ड जतिन मार्क नमन रोल नंबर क्या है बेटा मैम 79 CSE2 मैम कैमरा ऑफ कर लो यस नमन यू कैन टर्न ऑफ योर कैमरा ओके जसप्रीत मार्क कर दिया मैंने आपका भी मैम साहिब 99 मार्क मैम एक बार स्टैक वाले वो क्यू वाले का एक बार नेम बताना मैम उसमें ये बता देना कि इनपुट क्या करना है क्यू में आपको करना है जस्ट अ सेकंड प्लीज हाँ जी क्यू में आप लिखेंगे एम क्रिएट अ लीनियर क्यू यूजिंग एरे क्रिएट अ लीनियर क्यू यूजिंग एरे हाँ जी जिनको दिखाना है कैमरा ऑन कर दो सरब जी जतिन पवनीत युवराज प्रभसिमरन जो ये है वाला लीनियर क्यू वाला उसमें इनपुट क्या डालना है इनपुट आप कुछ भी डाल दो सेम ऐसे जैसे स्टैक में डालते हैं तीन एलिमेंट्स डालो उनको रिमूव करो उसके बाद अंडरफ्लो कंडीशन दिखा दो ओके मैम
सरबजीत कौन सा दिखा रहे हो अभी? 5 = 4 सरबजीत क्यू। क्यू में ना तीन एलिमेंट सेंटर करो, तीनों को डिलीट करवा दो और उसके बाद अंडरफ्लो कंडीशन शो करो। तीन एलिमेंट सेंटर करवा के डिस्प्ले करवाना पहले। ओके मैम। 20 क्या डाला आपने? 222 एंड स्टेबल रखो थोड़ा सा। सरबजीत ब्लर दिख रहा है मुझे। 222 है, उसके बाद 23 डाला आपने, देन डिस्प्ले करवाओ एलिमेंट्स। नाउ डिलीट दीज एलिमेंट्स एंड डिस्प्ले क्यू। डिलीट वन बाय वन। वन मोर, एक और डिलीट कर दो। वन मोर, क्यू इज एम्प्टी ना, एक और डिलीट करो। क्या आया? अंडरफ्लो, ठीक है। रोल नंबर 104 सरबजीत सिंह, ठीक है, मार्क कर दिया आपका सरबजीत। मैम ये देख लो। हां जी प्रणव, तीनों एलिमेंट्स डिलीट करके अंडरफ्लो में दिखाओ। मैम करा दिया है ऑलरेडी, 10 20 और 30 एंटर कराया। देख लो, वही देख लो, ठीक है प्रणव, मार्क। हां जी मैम मेरा कोई पेंडिंग, मेरे को डिलीट कर दो एक बार। प्रणव आपका कोई भी पेंडिंग नहीं है? हां जी शिवम एक बार इनको सबको डिलीट, इसके बाद आप नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन मत करना, अभी रहो यहीं पर, ठीक है? ओके मैम। शिवम डिलीट करके अंडरफ्लो कंडीशन में दिखाओ। 48 शिवम मार्क। विनायक रोल नंबर 56 मार्क। जसकीरत कौर रोल नंबर 61 मार्क। रोल नंबर 63 क्यू इज अंडरफ्लो नहीं आएगा जसकीरत, इसको लिख पाओगे अंडरफ्लो, ओनली अंडरफ्लो, क्यू इज अंडरफ्लो नहीं आएगा जसकीरत सिंह। ओके मैम। हां जी प्रियल, प्रियल कौन सा दिखा रहे हो अभी? फर्स्ट है, ठीक है प्रियल मार्क कर दिया आपका। जतिन प्रकाश मार्क। मैम अंडरफ्लो कंडीशन आ गई। हाँ जी शिवा मैंने चेक कर लिया आपका। 83 पवनीत मार्क। 95 राजप्रीत मार्क। रोल नंबर 36 मेहर सचदेव मार्क। नमन रोल नंबर मुझे बेटा याद ही कर लेना चाहिए ना, नमन का 79। मैम रीनेम का ऑप्शन नहीं आ रहा ना तो मैंने हटाया बच्चा। प्रवनीत सिंह, प्रवनीत 87 फर्स्ट वाला दिखा रहे हो अभी, चलिए ठीक है मार्क कर दिया। 67 जसप्रीत सिंह मार्क। रोल नंबर 107 सिमरप्रीत कौर, कहाँ गया सिमरप्रीत का? 107 सिमरप्रीत मार्क। सिमरप्रीत दूसरा दिखाओ बेटा आप जल्दी। 46 सरगुन कौर, कहाँ गया सरगुन का? सरगुन आपने अभी CSE 3 से हो ना, फर्स्ट वाला दिखाया सरगुन? नो मैम, उसमें बहुत ज्यादा एरर आ रहे हैं, मैं एक बार दोबारा ट्राई करूंगी, ये मेरा हो गया। ठीक करो उसे, उसको चलाओ। रोल नंबर 73 काव्या मार्क। मैम आई हैव मेड द चेंजेस। ओके जसकीरत मार्क कर दिया मैंने आपका। रोल नंबर 44 ऋषभ मार्क। रोल नंबर 38 नवदीप सिंह, बड़ी देर लगा दी नवदीप, चलिए ठीक है नवदीप मार्क कर दिया, नेक्स्ट चलाओ। रोल नंबर 90 प्रभ सिमरन मार्क्ड।
रोल नंबर 112 तरश मार्क्ड. थैंक यू मैम. रोल नंबर 41 मनीत. रोल नंबर 32 नहीं है मनीत, आपका कोई भी पेंडिंग नहीं. रोल नंबर कौन सा देख रही थी मैं, 41 प्रवलीन मार्क्ड. तन्वी रोटेट करो. प्रवलीन आपका मार्क कर दिया मैंने. रोल नंबर 35 अभी मुझे एक मिनट शो कर रहा है बार बार. हाँ तो कोई बात नहीं, आप उसको चलाने की कोशिश करो, उसमें एरर आती नहीं है. ठीक है मयंक, आपने फर्स्ट नहीं दिखाया अभी तक. यस मैम, उसका एरर अभी ट्रबल शूट करके मैं ट्राई करता हूँ वापस. ट्राई करो क्योंकि वो रन किया हुआ प्रोग्राम है. तन्वी 110 मार्क्ड. रोल नंबर 52 सूरज सिंह मार्क्ड. प्रियल 43 मार्क्ड. रोल नंबर 91 प्रद्युम. बड़ी देर लगा दी बच्चा इसको चलाने में, इनफिक्स टू प्रीफिक्स को. प्रद्युम ने मार्क कर दिया मैंने आपका. रोल नंबर 103 सानिया मार्क्ड. युवराज आउटपुट दिखाओ इसका, कौन सा दिखा रहे हो युवराज, इनफिक्स टू प्रीफिक्स? यस मैम. उसमें वही एक्सप्रेशन डाल दो जो क्लास में किया था. युवराज रोल नंबर क्या है, 117? यस मैम. ठीक है युवराज नेक्स्ट चलाओ. अब साहिब मार्क कर दिया आपका मैंने. रोल नंबर 37 CSE 3 मोनाली मार्क. क्यों है रे वाला मैम, हो गया? हाँ जी हाँ जी, पता है मुझे, वही देख रही हूँ मैं. थैंक यू. कर दिया आपका. 102 साहिबप्रीत. साहिबप्रीत इनफिक्स टू प्रीफिक्स नहीं चलाया अभी मैम, वो अभी चला नहीं मैं, इसके बाद चलाओ उसको. चलाओ रोल नंबर 76 मार्क कर दिया. 76 मंजीत मार्क कर दिया. युवराज अब नेक्स्ट दिखाओ, क्यू वाला मैम ये नेक्स्ट है. हाँ तो इसको अंडरफ्लो कंडीशन के साथ दिखाओ फिर मुझे. ठीक है युवराज मार्क कर दिया आपका मैम. 106 श्रेष्ठ. श्रेष्ठ फर्स्ट वाला तो दिखाया नहीं मैम, उसमें मैम एरर आ रहा है, अभी मैं दिखा दूंगा. ठीक करो उसे. कर दिया मैंने मार्क. 91 प्रद्युम मार्क. जिन्होंने दोनों दिखा दिया देखें लीव दिस मीटिंग, जिनके आज के दोनों प्रोग्राम्स हो चुके हैं देखें लीव दिस मीटिंग. मैम मेरे हो गए मैम सूरज, आपको नहीं पता मैम, दिखा दिए थे ना मैम, आपने मार्क कर लिया, मतलब ये पूछना चाह रहा हूं. मैंने बोल दिया था आपका नाम, तो दोबारा बोलने की जरूरत है. रोल नंबर 52 सूरज मार्क. नो मैम, थैंक यू मैम. हां जी मैम, मैं शो करूं? हां जी बिल्कुल करिए. जिन्होंने दिखा दिया दे कैन लीव दिस मीटिंग, जिनके दोनों हो चुके हैं. मैम कैन यू चेक मेरा कोई रिमेनिंग है? युवराज अगर मैं नाम लेती हूँ बार बार उसके बाद भी ये करने की जरूरत है क्या? ठीक है यहाँ पर आपके लास्ट टू लैब से हैं, पीछे आपके दो लैब में नहीं थे, 10th और 24th के लैब में आपने नहीं दिखाए थे. बस मैम दिखाए थे, बस एक नहीं दिखाया था शायद, एक दिन दो लैब में दिखा नहीं रहा है. 94 पुनीत कुमार. 94 पुनीत मार्क. नेक्स्ट दिखाओ पुनीत. यस मैम नेक्स्ट. हां जी जिनके दोनों हो चुके हैं आज के दे कैन लीव दिस मीटिंग. थैंक यू मैम. मैम इसमें तीन एलिमेंट 3 काव्या मार्क. हां जी बोलिए कौन से तीन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, कौन बोल रहा था मैम? क्यू. हां जी पुनीत तीन एलिमेंट्स एंटर करो, डिलीट कर दो. काव्या आपका मैंने मार्क कर दिया है. रोल नंबर 109
सुरखाब मार्क 113 उन्नत मार्क 84 प्रभजोत सिंह प्रभजोत दूसरा वाला कहाँ है मैम वो भी कर रहा हूँ उसमें थोड़े एरर आ गए 115 विकास इनफिक्स टू प्रीफिक्स विकास वन मिनट अभी कर रहा हूँ उसे एरर आ रहा है 94 पुनीत मार्क विकास ये वाला मैंने मार्क कर दिया दूसरा दिखाओ ओके मैम मयंक रोल नंबर 35 सीएससी 3 दोनों प्रोग्राम्स मार्क हो चुके हैं मयंक यू कैन लीव दिस मीटिंग पुनीत मार्क कर दिया आपका 108 सुरखाब नहीं क्या नाम है सुखबीर मार्क सुखाप इसमें तीन एलिमेंट सेंटर करवाओ डिस्प्ले करवाओ डिलीट करवा दो तीनों को और अंडर फ्लो दिखा दो रोल नंबर 76 पंजीत सिंह मार्क प्रभसिमरन मुझे आउटपुट नहीं दिख रहा कट तो के दिख रहा है ठीक है 90 प्रभसिमरन मार्क 87 प्रभनीत मार्क युवराज दोनों मार्क हो चुके हैं ना यू कैन लीव दिस मीटिंग मंजीत मार्क कर दिया आपका मैंने रोल नंबर 109 सुरखाब मार्क बेटा मैंने डेट्स बता दी ना आपको कौन सी डेट के थी कैन यू चेक मैम दो डेट्स बता तो दी आपको ऐसे डेट से याद नहीं रखा तो फिर डेट से आपको देखना पड़ेगा ना कौन से डेट्स पर आपने कौन से प्रोग्राम्स किए 89 प्रभप्रीत मार्क रोल नंबर 42 प्रथम प्रीत सीएससी 3 मेरा फर्स्ट वाला कहाँ है मैम ये रहा फर्स्ट वाला ठीक है मार्क कर दिया आपका जसलीन अरोड़ा रोल नंबर 65 आपका मार्क कर दिया ना बोल दिया आपका नाम तो यू कैन लीव दिस मीटिंग जसलीन मार्क ओके मैम सानिया गेरा 103 मार्क करण बग्गा 72 करण फर्स्ट वाला नहीं दिखाया अभी बेटा मैम उसमें वो एसटीईआरईवी वाला मैम उसका एरर आया जा रहा है बार-बार एसटीईआर रहा है तो आपने चेंज किया है कि जन हंजी सानिया यस सानिया मैम दोनों मार्क हो गए दोनों मार्क हो गए आपका बोल तो दिया नाम सानिया थैंक यू मैम रोल नंबर 102 साहिब प्रीत ठीक है साहिब मार्क कर दिया आपका 107 सिमरप्रीत मार्क सिमरप्रीत मार्क कर दिया आपका मैंने मैम मैं लीव दिस मीटिंग यस यू कैन मैम रोल नंबर 89 देख रही हूँ ना 89 प्रभप्रीत मार्क जसलीन यू हैव शोन बोथ द प्रोग्राम्स यू कैन लीव दिस मीटिंग ओके मैम 89 प्रभप्रीत मार्क कर दिया आपका यू कैन लीव दिस मीटिंग थैंक यू मैम मैम कुछ पूछना था मैम मैम दोनों मार्क हो गए मेरे बेटा अगर देखो मैंने नाम लिया आपका तो मार्क हो गए ना मार्क है 102 हाँ जी बोलो डिलीट करूं रोल नंबर 54 तेजपाल सबको डिलीट कर दो यहाँ से तेजपाल यस मैम नवदीप 38 मार्क मैम आगे एंटर फ्लो कंडीशन 54 तेजपाल तेजपाल फर्स्ट वाला नहीं दिखाया अभी नहीं मैम वो अभी जस्ट इसके बाद ही दिखा रहा हूँ जस्ट रन करके ठीक है ये वाला मार्क कर दिया मैंने आपका 101 साहिब प्रीत
101 तो सहजप्रीत है। सहजप्रीत 101 सहजप्रीत फर्स्ट प्रोग्राम मार्क। प्रभनीत सिंह रोल नंबर 88। प्रभनीत ठीक है ये वाला मार्क कर दिया आपका। पलक पलक सीएससी 2 में है आपका बेटा? यस मैम। मैम यस सीएससी 2 में। और कौन कौन है सीएससी 2 में? प्रतीक का भी सीएससी 2 में है, पलक आपका भी, और कौन है? यस मैम। मैम और इशिता महाजन का भी सीएससी 2 है और कृतिका कसेरा का भी। इशिता एंड कृतिका ओके ओके पलक आई हैव मार्क योर आउटपुट 88। प्रभनीत कौन सा दिखा रहे हो? मैम वो मैंने तेलुगु का पूछना था मैम कुछ। 88 प्रभनीत सिंह मैम ये फर्स्ट वाला मार्क कर चुकी हूँ ना, इसको तो मैंने मार्क कर दिया। वो मैम जी मेरे स्पीकर में प्रॉब्लम है तो आवाज नहीं आई सॉरी। रोल नंबर 54 तेजपाल मार्क। तेजपाल दोनों मार्क हो गए आपके। सो मैम कैन आई लीव? यस यू कैन। रोल नंबर 84 प्रभजोत सिंह मार्क। हाँ जी एल्गो का किसको पूछना था? मैम सरबजीत मैंने मैम। हाँ जी बोलो सरबजीत। मैम एल्गो ना जैसे आपने कहा था ना हैंड रिटन लिखनी है तो मैंने मैम लाइंस वाली शीट पे लिख दी है मैम। वो प्लेन शीट्स चलेंगी मैम। मैंने काफी सारी लिख मतलब ऑलमोस्ट सारी लिख दी है मैम उस पे। बच्चा मैंने तो क्लास में आपको बोला था आपने पूछा भी नहीं दोबारा कभी। मैम तो मैं उसको व्हाइट शीट कितने कितने लिख दिए हैं मैम? सर्कुलर तक लिख दिए हैं। आगे वाले व्हाइट पर कर दो ठीक है। और मैम डायग्राम पेंसिल से आपने किससे बनाए हैं? पेन से बना दिए? नहीं नहीं मैम नहीं, पेंसिल से ही बनाने हैं ठीक है। डायग्राम पेंसिल से और आगे का व्हाइट शीट करो। वो मुझे रजिस्टर के पेजेस नहीं चाहिए। कैसी शीट्स लगाई हैं मैम? फिर मैं व्हाइट शीट पे ही कर दूंगा मैंने। नहीं सरबजीत कैसी कैसे शीट्स लगाई हैं कि जो रूल शीट्स आती हैं वो लगाई हैं या नोटबुक के पेजेस हैं? नोटबुक के पेजेस ही हैं मैम। नहीं बच्चा प्लेन शीट ले लो प्लीज। फाइल ना सबमिट होती है ऐसी फाइल नहीं चाहिए। रूल शीट्स होती ना तो भी कंसिडर कर लेते। ओके मैम।